चांद आ गया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह सुबह का टाइम है और अभी 6 बज रहे हैं और मैं सुबह सुबह उठी हूँ पूजा करने के लिए, क्योंकि आज वो तिल वाले लड्डू वाला व्रत, तो उसकी पूजा करनी है और मेरा पहला फास्ट होगा ये। तो चलो पूजा करते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने बाल बांध लेती हूँ, क्योंकि बाल तो गीले हैं लेकिन खुले बालों में पूजा नहीं करते ना। तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से बना हुआ है, मतलब बताया मम्मी ने मेरे को। और तो चलो शुरू करते हैं। बस एक चीज़ और, पूजा जो है ना इसमें कथा सुननी होती है, तो कथा तो अभी मेरे पास बुक है नहीं, तो मम्मी ने मुझे सॉल्यूशन दिया है कि फ़ोन में कुछ यूट्यूब पे लेडीज कथा पढ़ रही हैं, तो तू बस कथा सुन ले उनकी और स्टार्ट हो जाएगा व्रत। तो चलो फ़ोन में ही चला लेती हूँ। तो ये पहले से ही कथा ढूंढ के रखी है मम्मी ने, बस इसको स्टार्ट करना है और फिर पूजा स्टार्ट हो जाएगी। व्रत के नाम से भी जाना जाता है। तिल के अनुसार नाम में थोड़ा बदलाव हो जाता है, लेकिन पूजा विधि जैसी ही रहती है। सकट चौथ व्रत में भगवान गणेश जी का और चौथ माता का पूजन किया जाता है। ये छू लेने से था, छू के राज दौड़ते दोनों हाथों से। इसी के साथ पूजा होती है खत्म। अब जो पूजा होगी ना वो शाम को होगी। तो कहानी सुन ली मैंने और मैं जिम के लिए रेडी हो चुकी हूँ, क्योंकि इसी के साथ सारी क्लासेस कंप्लीट होती हैं और मैंने अपना वर्कआउट भी कर लिया। तो मेरा फास्ट था लेकिन मैंने अपना वर्कआउट मिस नहीं करा, क्योंकि अगर आप एक्सक्यूज़ देते हो ना तो वो एक्सक्यूज़ बढ़ता ही चला जाता है। तो मैंने थोड़ा सा कम करा, क्योंकि मुझे पूरा दिन भूखा रहना था, तो इसलिए थोड़ा सा कम करा, लेकिन हाँ वर्कआउट करा। तो चलो अब चलते हैं घर, क्योंकि घर जाके ना मेरे को लड्डू भी बनाने हैं आज। तिल जो व्रत है ना उसके अंदर ना तिल के साथ पूजा भी होती है और तिल के लड्डू भी बनते हैं। तो चलो घर चलते हैं। और बाकी ये मेरे ना रात को मेहंदी लगाई थी मैंने, तो मैं मेहंदी जैसे हाथ रख के सो गई, तो उसकी वजह से ना यहाँ पे मेहंदी का निशान बन गया। अब पता नहीं कितने दिनों में जाएगा। तो घर पहुँच चुकी हूँ मैं और अब बनाएंगे तिल वाले लड्डू। तो लड्डू मैंने ही बनाने हैं, क्योंकि यहाँ पे लड्डू नहीं बनाए, हमेशा तिल मतलब वैसे तिल को ग्राइंड करके बना देते हैं। तो आज हम लड्डू बनाएंगे और मैं भी पहली बार लड्डू बना रही हूँ। मैंने मम्मी से फ़ोन करके रेसिपी पूछी थी और फिर यूट्यूब का भी सहारा लिया। तो चलो शुरू करते हैं। दो तरीके के लड्डू बनाएंगे, एक बनाएंगे गुड़ और तिल वाले और एक बनाएंगे खोए और तिल वाले। तो सबसे पहले हमने सफ़ेद तिलों को भून लिया है कुछ इस तरह से, और फिर उसके बाद अगला स्टेप है कि गुड़ को भी हमें मेल्ट करना है। तो मैंने ये गुड़ लिया है 1 किलो, इसको मेल्ट करेंगे और फिर उसके बाद भुने हुए तिल और मेल्टेड गुड़ दोनों को मिक्स करना है। और ध्यान रखना जो गुड़ है वो पूरी तरह से मेल्ट हो जाना चाहिए, ताकि हमारे लड्डू बिल्कुल सॉफ्ट बने।
तो यहाँ पे मैंने गुड़ और तिल दोनों को मिक्स कर दिया है, सिर्फ गुड़ और तिल, उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं डाला है। आप इसमें नारियल डाल सकते हो, मूंगफली डाल सकते हो। सेक लड्डू नहीं बन रहा, इसका हाथ जल रहा है, गरम है बहुत ज्यादा। मैंने इतने सारे बना दिए, चल कैमरा मैन फोकस करो। तो हमने एक तरीके के लड्डू बना लिए जो कि गुड़ और तिल के थे बस सिंपल, और ये वाले जो बनाएंगे ना हम खोए और ड्राई फ्रूट्स वाले बनाएंगे, तो दो तरीके के लड्डू बनाएंगे। बाकी बोल रहे हमारे लड्डू देखो कितने सारे बन गए, और तिल में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है तो ठंड में हमें खाना चाहिए तिल, लेकिन बहुत गर्म होता है इतने भी नहीं खाने चाहिए, एक लड्डू ज़्यादा से ज़्यादा दो लड्डू। तो ब्लॉग बनाती है हर वीडियो में, डॉक्टर क्यों बन जाती है बताना जरूरी होता है ना। तो गुड़ के लड्डू बन चुके हैं, अब यहाँ पे हम खोए के लड्डू बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं तिलों को फिर से रोस्ट कर रही हूँ, और इसी के साथ मैंने ड्राई फ्रूट्स भी रोस्ट कर लिया है, आप अलग अलग भी रोस्ट कर सकते हो। फिर मैंने यहाँ पे लिया है खोया, और खोए को पूरी तरह से मेल्ट कर देंगे और फिर अच्छे से भूनेंगे। लड्डू रेडी हो चुके हैं, अब बस इसको बाइंड करना है, और खोआ थोड़ा सा कम रह गया इसके अंदर, अराउंड आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा तिल था, और मैंने उसके अंदर आधा किलो खोआ डाला, तो खोआ थोड़ा सा और ज़्यादा चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, अब घी के साथ बाइंड करेंगे इसको। ये हमारा खोए वाला तिल, और ये लड्डू बन चुके हैं जो वो। अगर खोया कम पड़ गया था तो मैंने फिर से खोया मंगवाया, और अगर आप तिल के लड्डू बनाते हो ना, और मेरी तरह गलती मत करना, अगर आप आधा किलो से ऊपर तिल यूज़ कर रहे हो तो आधा किलो बराबर क्वांटिटी में खोया यूज़ करना पड़ेगा, तभी उसकी वो सॉफ्ट सॉफ्ट खोए के लड्डू बनेंगे, वरना तो फिर वो टाइट टाइट से बनेंगे और खोए वाला मज़ा भी नहीं आएगा। तो ये हमारा खोया आ चुका है, तो कंटिन्यू करते हैं वापस अपना प्रोसेस। तो देखो खोआ डालते ही लड्डू की वाइंडिंग अच्छी हो गई, ये अब और अच्छे से बन रहे हैं, ये देखो। तो खोआ सही रखना, तभी लड्डू में अच्छी सी बाइंडिंग आएगी और सॉफ्ट सॉफ्ट बनेंगे। तो ये हमारे लड्डू ऑलमोस्ट डन होने वाले हैं। ये देख लो भाई, व्रत रख लेंगे, भूख बर्दाश्त नहीं है, हालत देख लो। आएगा आएगा चांद आएगा। ये बर्दाश्त नहीं है, ये इसलिए लेटी हुई है, इसे लग रही है भूख, है ना, ईमानदारी से होता है, भूख लग रही है ना। तो यार अब तुम, मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, लेकिन चंदा मामा अभी तक निकले और मुझे बहुत ही भूख लगी है, 9:30 बज चुके हैं। वैसे मैं भूखी रह लेती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों आज भूखा नहीं रह जा रहा। देखो चंदा मामा आज बहुत भाव भर है, अभी तक नहीं निकले, मम्मी भी भूखी है, मैं भी। मामा ने एक दिन मौका मिलता है, कल निकल गए इंतजार कराने का, और आज कुछ ज्यादा ही करा रहे हैं, आज कुछ ज्यादा ही करा रहे हैं, भूख लग चुकी है बहुत ज्यादा, और बाकी सब खाना खा चुके हैं तो और भी ज्यादा भूख लग रही है। एक बात तो है ना, ऐसे हमारा सनातन धर्म ऊपर है, जब भी कोई चांद वाला व्रत होता है तभी चांद लेट क्यों आता है, पता होता है, मतलब हाँ, उनको पता होता है कि सबका व्रत है, सब भूखे इंतजार करेंगे। वाइफ ने मैंने ये ना सोचा ना, कुछ इस तरह से लग रहा है, बढ़िया बढ़िया। मेरे को समझ नहीं आता, सारे व्रत जो है वो औरतों को ही करने होते हैं, सारे जो जेंट्स होते हैं वो आजाद क्यों है? क्योंकि हमारे बस की ना व्रत रखने में खा पी लिया और हमारी अधीन देखो सीधी बात नो बकवास। क्या सीधी बात नो बकवास? हमारे बस की ना व्रत रखना है। ठीक है, तो हमारे भी बस की नहीं है ऐसा थोड़ी ना। ठीक है चलो, नो कमेंट्स। अरे चल आ गया, आ गया, आ गया, सही में। चलो यार पूजा, भू 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 प्रक्रिया चालू, भूखे मरते हुए उनको दी था वैसे ही, हाँ हाथ ऐसे आगे करके। चांद चले, देखो भूख बर्दाश्त नहीं, एक सेकंड में कार्रवाई, पानी चढ़ाया, ये करसी ऐसे कर ले, ठीक लगे ऐसे करते हैं।
ना टूट रोटी उस बारे कर दियो। हो गया अब क्या चले। 11 बज गए, 12 बज गए, ऊपर बज गया एक, चंदा मामा आ गए और भुक्का मर गया था पेट। बस यार सारा ब्लॉग मेरे पे खत्म करोगे?